नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निखत बीटीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। आज दिल्ली में जो हमारे सीएम साहब और मिनिस्टर एमएलसी पूरे लोग जाके वहां पर जो तेलंगाना भवन की भूमि पूजा कर रहे हैं, वहां भूमि पूजा करके वहां पर झंडा लहरा रहे हैं। वहां से फिर हमारे पूरे तेलंगाना स्टेट में आज हम झंडा फेस्टिवल मना रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे तेलंगाना में और हैदराबाद में आज एक फेस्टिवल की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और सीएम साहब के कई ऐसे स्कीम है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, जो हमारे तेलंगाना में जो स्कीम पे जो पब्लिक के लिए और सभी के लिए जो स्कीम लाए हमारे सीएम साहब, वो स्कीम पे और तेलंगाना में हम नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रहा फिर हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर बनेंगी। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर। दोनों झंडा भी आ रहा, आप दोनों भी आ रहा। बड़ी खुशी की बात है, आज पूरे तेलंगाना में तेलंगाना स्थापना दिवस के उस अवसर पर जिस प्रकार से हमारे चंद्रशेखर राव साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, के टी रामा राव साहब और अनेक जो कार्यकर्ता ने तेलंगाना हासिल किया, इसके लिए पूरे कोशामेल में आज खुशी की लहर है। कोशामेल ही नहीं, पूरे तेलंगाना में खुशी की लहर है। इसके चलते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी चंद्रशेखर राव जी दिल्ली में इस ऑफिस का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और पहले तेलंगाना हासिल करने के लिए कितने लोगों ने अपने जान लगाए, गंवाए, करे, उसके बाद में अंत में चंद्रशेखर राव साहब ने तेलंगाना हासिल किया। और तेलंगाना हासिल होने के बाद 2014 के बाद तेलंगाना का रूप ही बदल गया और आप देख रहे हैं किस तरह से तेलंगाना बढ़ रहा है। और दो डबल बेडरूम दे रहे हैं और दलितों को आज अभी दलितों का सम्मान किसी ने नहीं किया जो हमारे मुख्यमंत्री जी चंद्रशेखर राव जी कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। के टी रामा राव जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता बड़े दिल और लगन से कार्य कर रहा है और कार्य करते रहेगा और तेलंगाना को आगे बढ़ाते रहेगा। जय तेलंगाना। और थोड़ा पिक्चर नाम इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मीडिया टीम को दीजिए इजाज़त। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बीटीएस न्यूज़। जय हिंद।